Hello everyone and very warm welcome on behalf of FinPro Consulting. It's the start of August month. ये time period ऐसा है कि जहाँ पे diploma IFRS का student अपनी examination की बारे में सोचता है जो December में होने वाली है, यहाँ पे वो सोचना शुरू करता है कि मुझे exam देनी है तो अभी पढ़ाई start करनी पड़ेगी. There are a lot of genuine questions on his mind. बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, उनके दिमाग में वही सवाल होते हैं कि मैं एग्जामिनेशन की पढ़ाई कब से शुरू करूं. नंबर वन, कितनी देर मुझे पढ़ाई करनी पड़ेगी, दिन की कितनी घंटे रोज मुझे पढ़ाई करनी पड़ेगी, ऐसे कितने महीने पढ़ाई करनी पड़ेगी, सेल्फ स्टडी के लिए कितना टाइम देना पड़ेगा, लेक्चर्स अगर मैंने लिए हैं तो उसके लिए कितना टाइम देना पड़ेगा. ऑल दीज क्वेश्चंस जेन्युइनली पॉप्स अप on the mind of a student. And definitely, we understand that. हर बार मैं ये आंसर करने की कोशिश करता हूँ, मैं हर बार कहता हूँ कि आप किस तरीके से पढ़ाई कीजिए, लेकिन मुझे ऐसे लगा कि क्यों ना ये एक सक्सेसफुल स्टूडेंट के साथ डिस्कस किया जाए और उससे पूछा जाए कि उन्होंने क्या स्ट्रैटेजी अपनाई थी, कैसे पढ़ाई की थी, कितने घंटे दिन में पढ़ाई की थी, अगर उसमें कुछ ब्रेक आया क्या. तो ये सब सवाल मैं स्टूडेंट से पूछना चाहूँगा, उनका एक्सपीरियंस क्या है इन टर्म्स ऑफ द स्टडीज. इट्स अ रोलर कोस्टर राइड, बिलीव मी. हमेशा ऐसे होता है, मैं भी उससे गुजरा हूँ. तो चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो तो पहले मन में तो यही एक थोड़े से स्केप्टिसिज्म रहता है, whether I will be able to clear this examination, whether I will be able to study this, whether I will be able to make it, I will be able to understand it or not. तो ये सभी सवाल लेके मैंने ऐसे सोचा इस बार कि क्यों ना स्टूडेंट्स के मन के जो सवाल है उसको आंसर करने के लिए किसी पास्ट स्टूडेंट को बुलाया जाए, और इसलिए एक पॉडकास्ट सीरीज हम शुरू कर रहे हैं. तो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं विपुल शाह. वेरी वार्म वेलकम विपुल टू द podcast by FinPro. Vipul is our student and he has cleared the examination recently. तो मैंने सोचा उनके साथ ही एक बार थोड़ी सी कुछ पहले बात करते हैं, उनका एक्सपीरियंस उनसे आपसे पूछते हैं. तो आपका पहले एक क्विक बैकग्राउंड, क्योंकि बैकग्राउंड इसीलिए कि कई बार हमारे ऑफिस से जब कॉल जाता है या किसी हमारे हमें कॉल आता है, देन हम सवाल पूछते हैं what is your qualification, basic qualification. तो कई बार मन में ऐसे डर रहता है कि आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, लेकिन स्टडीज में गैप है. चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है तो कभी कभी और भी डर रहता है कि आई एम नॉट अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, हैव नेवर स्टडीड दिस IFRS अर्लियर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, IFRS छोड़ दीजिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी नहीं पढ़े. तो आपका अगर बैकग्राउंड दे तो समझ में आएगा थोड़ा सा. यस, सो हेलो एवरीवन, आई एम BCom and MBA finance by profession, and I've started my career in 2010, okay. And since then I've been working. But tab se lekar the curriculum that I've last studied was for 2010, or abhi we are at 2024. So there was a need to upgrade myself by the recent changes that have happened, and also the topmost qualification that I have taken is masters. तो उसमें accounting standard थे, लेकिन इतने in depth नहीं थे. It was just an overview. So there was a need for upgrading my knowledge. और अभी मैं जहाँ पे काम कर रहा हूँ वहाँ पे भी जरूरत था that you need to have knowledge about accounting standards. अच्छा, तो आप accounts finance department में already काम कर रहे हैं? Yes. अच्छा, so वहाँ पे आपको application IFRS, क्योंकि मेरा मुझे यही भी पूछ रहा था आपसे कि आप जब डिप्लोमा IFRS सोचते हो तो आपके मन में ये था कि आपको IFRS की ज़रूरत इस पड़ेगी आगे जाके, तो शायद कहीं आपका जो मूविंग अप द लैडर हो, right. आपका जो सेल्फ डेवलपमेंट है, right. वो नहीं हुआ तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट जाएगा, ये कहीं मन में था आपके. राइट, सो टेक्निकल साइड में हम लोग देखते हैं कि हमने ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कोर्स किया, ये किया. तो फाइनेंस में this IFRS is really a very good addition to your knowledge base. If you have, you know, studied for last degree that you have taken is maybe 7-8 years before, it is really a very good addition to your knowledge base.
और कहीं पे तो था कि वी शुड कीप ऑन लर्निंग, ये इंटेंट था. देर वॉज नो इंटेंट ऑफ हैविंग एन इंटरनेशनल जॉब या एज अ स्पेसिफिक इंटेंट नहीं था, एक सेल्फ डेवलपमेंट का. दैट्स एक्चुअली वेरी गुड. तो ये हमें सभी को ये ध्यान में भी देना पड़ेगा. इट्स नॉट ओनली अबाउट द अपॉर्चुनिटी, बट अगर एक हम मोबाइल परचेस करते हैं आजकल, तो वो भी एक 40-50 हज़ार का होता है. तो ऑन सेल्फ डेवलपमेंट वी शुड एटलीस्ट स्पेंड सम मनी एंड टाइम ऑल्सो. आई मीन आई अंडरस्टैंड दैट फॉर डिप्लोमा IFRS आपको एक 2 साल के एक्सपीरियंस की जरूरत होती है. तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो स्टूडेंट्स होते हैं ही इज अ वर्किंग प्रोफेशनल एज वेल. तो टेकिंग आउट टाइम, पैसा भी ठीक है, इनफैक्ट मैं तो कहता हूँ कई बार पैसा लोग दे देते हैं बट टाइम नहीं निकल पाते. सो आपके केस में वो कैसा था, कि हैव यू थॉट ऑफ इट कि कैसे करूंगा? मन में ऐसे कभी कभी सवाल आते हैं whether I'll be able to do it, not because of the capabilities, it's a different part, but more because of the timing, time issues. You have to manage your family, you have to manage your professional life, and then you have to study also on the top of it. तो ये सब दिमाग में आपके था क्या? तो ये सब चल रहा था? बिल्कुल बिल्कुल. I work, my office work, I would not call it hectic, but you have to be available. For any job, you have to be available. So 8-10 hours you have to be available for your job, including everything. After that, you have to give time for your family. I have a small daughter who is 2 years old. Oh my God. And who is a night baby. So, needless to say, ke mujhe raat ko neend to she, pehle ek saal mein I never slept at a stretch for 8 hours. So, wo ek challenge tha. To ye sab dimag mein rakhte hue, I was skeptical initially ke main kar paunga ya nahi. बट देन इट इज नाउ और नेवर, ऐसा सिचुएशन आया था, अभी नहीं हुआ तो कभी नहीं हो पाएगा. एट द सेम टाइम बच्चे बड़े होते तो आप भी बड़े हो जाते हैं. हाँ. तो वो आपका लर्निंग एबिलिटी कम होते जाता है. सो यू हैव टू शेप दैट लर्निंग एटीट्यूड एंड देन पास थ्रू दिस जर्नी, एंड वंस यू शेप इट देन यू कैन गो अहेड. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट द फैक्ट कि नाउ और नेवर ये सिचुएशन आपको क्रिएट करना पड़ता है, ये आता नहीं है. कई बार स्टूडेंट्स पूछते हैं, सर अब दिसंबर, अभी नहीं हो पा रहा है, अभी दिसंबर में मैं जून शिफ्ट करूँ क्या? मैं हमेशा सजेशन देता हूँ, अटेम्प्ट शिफ्ट नहीं होता. एक बार नहीं दिया तो आप कभी नहीं दे पाओगे. पहला अटेम्प्ट आई थिंक इज द बेस्ट अटेम्प्ट. जब तवा गर्म होता है तभी रोटियां सेकनी चाहिए. दिस इज व्हाट आई बिलीव. आई एग्री. तो आपने शायद वैसे ही किया. या तो यस प्लीज. आई गिव एन अटेम्प्ट फॉर 2023 वेयर दिस वाज माय फर्स्ट बैच, बट ड्यू टू सम पर्सनल रीजन आई कुड नॉट क्लियर दैट. ओके. सो बट अटेम्प्ट दिया मैंने, पर क्लियर नहीं हुआ. ये भी जरूरी है अटेम्प्ट. वो क्या होता है, कई बार डर रहता है मन में कि यार मैं क्लियर होऊंगा कि नहीं, यार लोग अपीयर ही नहीं करते. सो दैट्स फियर ऑफ फेलियर, यू हैव टू रिमूव इट. इट्स बेटर टू फेल देन नॉट अटेम्प्टिंग इट एट ऑल. या सो दैट्स वेरी गुड. लास्ट 20 डेज बिफोर द एग्जामिनेशन आई कुड नॉट स्टडी बिकॉज ऑफ मेडिकल रीजंस. ओके. एंड बट स्टिल आई डिसाइडेड टू गो अहेड बिकॉज मेहनत किया था सबने फॉर मी टू have this exam. I joined the classes, we have completed everything. So I attempted and I lost by 6 marks. Oh. And then next time jab result aaya tab aisa socha ki de ya na de. So I discussed with people in my office who were, you know, har roz chai ke liye jaate the. So all of them were, you know, kind enough. Unhone bhi, they motivated me ki nahi, you have to do that. Kuch bhi ho jaye, you keep on doing it, but you have to do it, clear it. So that push also you need. You have to have people around who are pushing you. So wo ek bhi bada reason tha. Apna community, family, colleagues. Yeah. That is very important. Yeah. They should. You should have support from them. And generally, everyone gets that kind of a support. I'm very sure. So once you are determined, then you will get that support from your family, your colleagues, and people, friends around you. Absolutely. So that's very nice to hear. Now, ये तो हुआ हमारा बैकग्राउंड कि एग्जाम देने से पहले दिमाग में क्या क्या था, क्या क्या कंस्ट्रेंट्स थे, और क्या दिमाग में चल रहा था कि एग्जाम दू ना दू, हो पाएगा नहीं हो पाएगा. ऑल दोज एस्पेक्ट्स डेफिनेटली कम ऑन द माइंड ऑफ ऑलमोस्ट एवरीवन इंक्लूडिंग मी. सो व्हेन आई क्लियर इट हैपेंड इन द सेम वे. बट देन यू नो नाउ कमिंग ऑन टू द यू नो द स्टडीज पर से,
आपने आपका ये जो स्टडी है तो ये कैसे इसको अप्रोच कैसे किया है, डिड यू टेक द लेक्चर्स और आपने ऐसे सोचा था कि लेक्चर्स लू या सेल्फ स्टडी करूं, क्या आपके मन में था ऐसे? सो आई एम नॉट अ सेल्फ लर्नर बाय नेचर. सो इफ समवन टीचेस मी देन आई विल लर्न. सो मेरा जून 2023 का जब अटेम्प्ट था तो मैंने लाइव सेशंस के लिए एनरोल किया था. आई कुड नॉट क्लियर दैट अटेम्प्ट. सेकेंड टाइम ऑल्सो आई डिसाइडेड टू गिव एंड आई एनरोल फॉर लाइव बैचेस. सो व्हेन आई वेंट टू एनरोलिंग सो दे वर पजल्ड कि आप फिर से लाइव बैच क्यों करना चाहते हो, बिकॉज ऑफ माई नेचर ऑब्वियसली दैट आई एम नॉट अ सेल्फ लर्नर. आपके रिकॉर्डेड सेशंस थे बट नहीं, ये इट्स नॉट अबाउट, आई मीन सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट ऐसा नहीं है कि इट्स नॉट अबाउट सेल्फ लर्नर. इट्स अबाउट योर, देर आर एज यू सेड देर आर लॉट ऑफ कंस्ट्रेंट्स. सबके लाइफ में ऐसे कंस्ट्रेंट्स होते हैं. सो पुटिंग अप दैट टाइम समटाइम्स बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि यू गेट सो मच ऑफ टायर्डनेस जो आता है एंड इट्स अ ह्यूमन टेंडेंसी कि थोड़ा प्रोकास्टिनेट करते जाते हैं हम लोग, चलो यार ये अब भी नहीं करते बाद में करते हैं. So it delays the things. Yeah. So it's good that you did the lectures. Sorry, but मतलब मैंने इसलिए interrupt किया that it's not that you are not a self learner, but yeah. but these are you know kind of constraints we have. तो इसकी वजह से वो सबका generally होता है, more or less वो होता ही है. So वो second time also I attended the batches and initially I made it a point that I will not miss the batches, but there were some instances एक या दो सेशंस मिस हो गए, बट आई कॉट देम आउट इन द इमीडिएट वीक. द बेस्ट पार्ट वाज कि सैटरडे संडे सेशंस होने के बाद आई गॉट द 5 days टाइम, तो उसमें कैचअप हो जाता था. अगर हम लोग देखते तो 5 सेशन होते जनरली आपके सैटरडे के बैच में, तो 5 सेशन 5 दिन के लिए डिस्ट्रीब्यूट कर देता था तो भी मेरा You're bang on point exactly. The next question I most of the times receive from the students कि हमें दिन में कितनी देर पढ़ाई करनी चाहिए. So what is your experience? Honestly, I जैसा 2 months before I started studying very very sincerely. Okay. तो एक से डेढ़ घंटा में हर रोज पढ़ाई करता था. Okay. बट 2 महीने पहले आई वॉज ओनली अटेंडिंग लेक्चर्स एंड जो भी होमवर्क देते थे वो एक बार ऑफिस में जाके जस्ट ब्रेन स्टॉर्म दैट. ओके, दैट वॉज दैट. बट दैट इज नॉट एन आइडियल वे अकॉर्डिंग टू मी. आई हैड माई ओन चैलेंजेस. आई फॉलोड योर प्लान. यू हैड गिवन वन प्लान इन माई अर्लियर एग्जामिनेशन जून 2023. तो वो दैट प्लान इज वेरी गुड इनफ. यू कैन होवर थ्रू दैट plan anytime according to the time available. Correct. तो हमने I followed that. जो भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मैंने sessions करके I managed to see all the recorded sessions. Okay. एक बार आपका live sessions हो गया फिर I again watched them as a first revision of those sessions. Okay. And then I started with the problems. Questions. Questions. Perfect. First 2 questions proper देख के किए कि ये है तो उसका सोल्यूशन क्या है. नेक्स्ट विदाउट ऑन योर ओन. एब्सोल्युटली. ओके, सो आई विल रिपीट. फर्स्ट इज यू, आपने जब पढ़ाई की शुरुआत की तो पहले लेक्चर्स देखे, चाहे जो भी कोई हो या तो वो लेक्चर्स आपने देखे. उसके बाद आपने खुद ब खुद वो कुछ लेक्चर्स दोबारा से देखे, एक लाइव सेशन में देखे, फिर बाद में जो है वो उसके रिकॉर्डिंग्स देखे एंड अकॉर्डिंगली तीसरी बार आप क्वेश्चंस पे पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन जो मैं हर बार कहता रहता हूं, दोज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट. दैट्स द की फॉर द स्टूडेंट टू क्लियर द एग्जामिनेशन. इट्स नॉट जस्ट द लेक्चर्स माइट हेल्प यू, इट्स योर सेल्फ स्टडी एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव टू सॉल्व पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन. तो पहले कुछ क्वेश्चन आपने जो लेक्चर्स में जो हमारे साथ किए और फिर बाद में आपने खुद ब खुद उसको सॉल्व किए, वो क्वेश्चन से लेके और भी कुछ सवाल किए रहेंगे. yes. तो एक अपना पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस आपको ACCA के वेबसाइट पे मिलता है, अपना बुक है एक, उसमें वॉल्यूम 2 है विच इज अ क्वेश्चन बैंक. तो वो कितना इंपॉर्टेंट लगा आपको? इट इज इंपॉर्टेंट. वाई? बिकॉज ऑनलाइन आपको आंसर शीट PDF में मिलता है, क्वेश्चन PDF में नहीं मिलता है.
क्वेश्चंस आपको उनके वो जो फंक्शनैलिटी है उसमें ही जाके आपको दिखते हैं क्वेश्चन. ओके. तो मुझे इट वाज वेरी इजी फॉर मी टू स्टडी मार्क माय ओन पॉइंट्स. हर एक के दो दो क्वेश्चंस मार्क करके वी गेट अ हैंग ऑफ दैट टॉपिक. करेक्ट. और उसके बाद आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग. सो मोस्टली आप जो कह रहे हो वो कन्वीनियंस एक अलग बात है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट पास्ट क्वेश्चन एग्जामिनेशन के क्वेश्चन सॉल्व करके आपको जो एक कॉन्फिडेंस जो मिला वो शायद वो कितना जरूरी होता है. बहुत जरूरी है बिकॉज उसमें देर इज नो वेयर एनी आर्टिकल और एनी बुक दैट कंसोलिडेट्स ऑल द क्वेश्चंस टॉपिक वाइज. ओके. तो मुझे अगर पीपीई करना था तो मेरे पास पास 15 क्वेश्चंस हैं जो ऑलरेडी पीपीई के वो जो लाइव एग्जाम में आए हुए हैं. तो दैट वाज ऑलवेज फास्टर फॉर मी एंड आई कुड जस्ट इट वाज कन्वीनियंट बेसिकली. नहीं तो मुझे हर एक क्वेश्चन पेपर ओपन करके पीपीई 4 क्वेश्चंस देख के उसमें भी सब क्वेश्चन है कि वो ढूंढना पड़ता था. बट ओके. हियर एवरीथिंग वाज इन वन प्लेस. कॉम्बिनेशन ऑफ क्वेश्चंस मतलब 9 मार्क का भी क्वेश्चन था, 22 मार्क का भी पीपी पे. तो वो सारे सेट्स ऑफ क्वेश्चंस एक एट अ सिंगल ग्लांस आइडिया आ जाता है उसमें. परफेक्ट. सो नाउ दिस इज अगेन इम्पॉर्टेंट. आप ACCA के पास्ट क्वेश्चंस जरूर सॉल्व कीजिए, कहीं से भी सॉल्व कीजिए, आपको कहीं पे भी वो मिल जाएंगे. सो दैट्स नॉट द इशू कि आपको वो क्वेश्चंस कहाँ पे मिलेंगे, उसके आंसर्स कहाँ पे मिलेंगे. बट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन दिस इज यू विल हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस. आपने कम से कम एक बार तो वो सब किया रहेगा पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस. So that is very important for us being student. If you would like to clear the examination, आपको past exam examination के questions को आप ignore नहीं कर सकते. ठीक है. So one more important point I want to mention is that ये questions solve करते हैं आधे questions मैंने उनकी utility में भी solve किए. Oh. Because वो utility ऐसा है कि वहाँ पे आपने जैसे बताया sessions में कि कट पेस्ट उधर थोड़ा अलग तरीके से चलता है. इट इज नॉट एग्जैक्टली एक्सेल. करेक्ट. तो बहुत बार ऐसा होता था मेरे एक प्रॉब्लम में आया एक्सपीरियंस दैट के पूरा प्रॉब्लम सॉल्व किया, लिंकिंग दे दिया और आई मूव दैट सेल्स तो पूरा लिंकिंग चला गया. तो यू नीड टू बी वेल वर्स विद दैट ऑल्सो. तो थोड़े क्वेश्चन वहाँ पे भी सॉल्व किए उनके जो ऑनलाइन पास्ट एग्जाम क्वेश्चन. नाउ यू हैव कम ऑन टू माई एक्चुअली नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप अच्छे से आ रहे हो उस क्वेश्चन के ऊपर अगले वाले सवाल पे. नाउ वी हैव this examination has shifted from paper based to computer based. Computer based पे चला गया, ये कोविड के बाद में तो होना ही था. तो computer based पे चला गया तो उनकी एक utility आती है. तो मेरा यही सवाल था जो आपने already answer कर दिया. मैं ये पूछने वाला था कि ये कितना ज़रूरी है कि ACCA की जो हमारे पास utility है वो utility में हम question solve हमें करना चाहिए, ये कितना जरूरी है ये मैं पूछ रहा था. बट आपने बता दिया कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉल्व दोस क्वेश्चंस इन यूटिलिटी. ये मैं आप सभी को जब क्लासेस चालू होते हैं तभी बताते रहता हूं कि थोड़ा सा अलग है, भले ही वो एक्सेल दिखे राइट, बट दैट्स नॉट एग्जैक्ट एक्सेल. एक्सेल की पूरी फंक्शनैलिटीज उसमें नहीं है. वर्ड है बट वर्ड की पूरी फंक्शनैलिटीज उसमें नहीं है. तो उसके साथ वी शुड बी कंफर्टेबल और वो कंफर्ट तभी डेवलप होगा जब आप उस पे जाके वो सॉल्व करोगे, उसमें जाके प्रैक्टिस करोगे. तो सिंपल सी बात है, पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस कई बार वहां पे 5-6 पेपर तो ऑलरेडी है, 6 पेपर. हाँ. वही 6 पेपर अगर वहां पे जाके सॉल्व कीजिए आप तो आपका वो प्रैक्टिस ऑटोमेटिकली हो जाता है. मतलब जो हम कहते हैं कि चलो 2 बार क्वेश्चन बैंक सॉल्व करो, तो 2 बार क्वेश्चन बैंक सॉल्व करने में पहली बार यू सॉल्व इट ऑन अ पेपर, सेकंड टाइम यू सॉल्व इट ऑन द यूटिलिटी इटसेल्फ. ऑटोमेटिकली वी गेट कन्वर्जेंट विद दैट यूटिलिटी. एब्सोल्युटली. तो एक कंफर्ट आ जाता है एग्जामिनेशन में, ऐसे नहीं लगता आपको कैसे? बिल्कुल सर. आई विल गिव यू एन एग्जांपल. इन जून 2023 अटेम्प्ट, मेरा 2 अटेम्प्ट लगा मुझे इस क्लियर करने. इन जून 2023 अटेम्प्ट कंसोलिडेशन का क्वेश्चन आया था, आई कुड सॉल्व इट रियली वेरी वेल, बट बिकॉज आई वॉज नॉट वेल कन्वर्जेंट मेरा 2 घंटा उसमें चला गया. मतलब आउट ऑफ 3 आवर्स आउट ऑफ 2 घंटे कंसोलिडेशन, और बचे हुए 1 घंटे में 3 प्रॉब्लम सॉल्व करने थे, विच वॉज फिर बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है एंड देन यू कैन नॉट राइट करेक्ट स्टैंडर्ड्स उनका नेम. तो फिर इफ विजा विज आई प्रैक्टिस दिस टाइम आई प्रैक्टिस ऑन देयर यूटिलिटी. तो मेरा बैलेंस शीट का भले ही टैली नहीं हुआ बट आई कुड कंप्लीट इट इन गुड अमाउंट ऑफ टाइम एंड आई कुड गिव ड्यू जस्टिस टू अदर क्वेश्चंस आल्सो. और वो मैंने अच्छे सॉल्व हो गए because of this nahi but that's a very good point. I remember pehle ye consolidation ka question jo hai wo 40 mark pe rehta tha right,
वहाँ पे ऐसे ही होता था, लोग वहाँ पे ज़्यादा टाइम देते थे, 40 मार्क्स में से 35 भी उधर नंबर आ गया अच्छे से सॉल्व करने के बाद, तो बाकी तो आपको 15 मार्क ही चाहिए। करेक्ट। तो अकॉर्डिंगली लोग ऐसे निकल जाते थे, फिर बाद में इसलिए ACCA ने उसको इवनली डिस्ट्रीब्यूट किया, 25 मार्क के चार क्वेश्चन। नाउ यू हैव टू गिव जस्टिस टू ऑल दी टॉपिक्स इक्वली एंड वेरी वेल सेट। सो प्लानिंग योर यू नो आंसर्स किस तरीके से देने, आपका क्वेश्चन कैसे प्लान करना है, क्वेश्चन पेपर का आंसर कैसे देना, ये प्लान करना पड़ेगा आपको। तो ये प्रैक्टिस जितना आप करोगे यूटिलिटी पे, उतना आपको एक आइडिया आएगा कि कैसे मूव करना है, नेविगेशन कैसे करना है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? इंपॉर्टेंट। एक साइड में आपका स्क्रीन रहता है, अगर आप स्क्रीन पे देखते हो तो वन हाफ वुड बी योर क्वेश्चंस, अदर हाफ वुड बी योर आंसर्स, राइट? सो हाउ टू मैनेज दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो अनलेस आप खुद ब खुद वहां पे जाके प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो मुझे नहीं लगता कि वो इतना इजी रहेगा आपके लिए। No, it is difficult if you don't practice. If you don't practice, otherwise मेरे ख्याल से चार पांच बार आपने किया तो मेरे ख्याल से वो हो जाता होगा। हाँ, हो जाता है। It is not very very difficult as such, but you need practice to get well versed with that. Okay. Now you told about the examination, कि exam के exam कैसे लेनी चाहिए, उसका past examination questions कितने solve करने चाहिए, ये सब आपने अभी बताया। So मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन विच कम्स अप अगेन एंड अगेन, बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं, और ये बहुत जेन्युइन है, मैं बात ही नहीं है कि वो कुछ गलत बोल रहे हैं, पढ़ाई करने के बावजूद ऐसे लगता है दे आर नॉट एबल टू रिटेन दैट कॉन्सेप्ट। जब तक लेक्चर चल रहा है दे फील दैट यार सब कुछ याद ध्यान में है, सब कुछ समझ में आ रहा है, क्लियर है, बट देन व्हेन दे सिट ऑन देयर ओन एंड दे स्टार्ट सॉल्विंग समथिंग दे डोंट रिमेंबर एनीथिंग। तो कुछ टेक्निक्स मैं कहता रहता हूं, तो आपने कैसे किया था उसके बारे में टू रिटेन द कॉन्सेप्ट, बिकॉज जब व्हेन यू एंटर द एग्जामिनेशन हॉल तो वो तीन घंटे में आपको लिखना है, तो फ्लैश की तरह चीजें ध्यान में आना जरूरी है, भी आ भी जाती है, बट वो जब पढ़ाई करते हैं तो वो डर लगता रहता है मन में यार याद आएगा नहीं आएगा, कैसे करेंगे, तो जनरली यही प्रॉब्लम। तो आपका क्या एक्सपीरियंस है उसके लिए और आपने क्या किया था? सो पहले मुश्किल गया टू रिटेन द कॉन्सेप्ट, बट होता ऐसा था कि ऑफिस में पिछले सैटरडे सिखाया था, पांच दिन बीच में काम करके चले गए, अगले सैटरडे में वापस मेमोराइज करने बैठते क्लास के आधे घंटे पहले, तो ऐसा हो जाता है कि अरे ये पढ़ाया था लेकिन भूल गया। तो ये पहले अटेम्प्ट में से हुआ हम, तो व्हाट आई डिड इज दैट एज यू हैड रिकमेंडेड कि हमने फ्लैश कार्ड्स बनाए थे, तो फ्लैश कार्ड का कॉन्सेप्ट मुझे हेल्प कर गया है बहुत। तो फ्लैश कार्ड में देर आर सम इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल दैट आर बीन टॉट इन द क्लास दैट आर द क्रक्स ऑफ दैट स्टैंडर्ड, वो मैंने बना लिया। आई हैड मेड अ प्रिंसिपल कि एक स्टैंडर्ड एक पेज, उसके वजह से हुआ ऐसा कि वो फ्लैश कार्ड में क्वालिटी भी आ गया, और एक एक पेज में हर एक स्टैंडर्ड एक करके मेरा 25-30 पन्नों में मेरा पूरा रिविजन हो जाता था। तो ऑफिस में मैंने वो वर्ड डॉक्यूमेंट भेज के रखा था, कभी भी टाइम मिला तो आई यूज टू गो थ्रू दैट। बट वो फ्लैश दो मैंने सेटअप बनाए थे, एक सेट वॉज प्रॉपर नोट्स जहाँ पे आपने जो एग्जाम्पल्स सिखाए थे उसके मैं स्निपेट लेके नीचे मेरा एक्सप्लेनेशन डाल के ऐसा नोट्स मैंने बनाया था अलॉन्ग विद दैट। अच्छा। एंड सेकेंड वॉज द फ्लैश कार्ड, हर बार नोट्स वॉज अराउंड 288-290 पेजेस जो आपने सिखाए थे अपार्ट फ्रॉम वॉट आर देयर इन द नोट्स दैट यू हैव शेयर्ड। और आपका फ्लैश का फ्लैश आपने जो बताया उसमें से फ्लैश कार्ड आई हैड प्रिपेयर्ड वाज फॉर सम 30 ऑड पेजेस, तो वो फ्लैश कार्ड बहुत हेल्प किया मुझे। नहीं, ये टेक्निक तो मैंने खुद ने फॉलो किया है जब मैं CA कर रहा था, जब मैंने डिप्लोमा IFRS किया था, इवन फॉर यू नो वाइल टीचिंग द सब्जेक्ट इट हेल्प्स अ लॉट। बने बनाए नोट्स तो दिए ही थे काफी, और सबको हाँ। मिलते हैं, कहीं से मिलते हैं, हमसे ही मिलते हैं, ऐसी बात नहीं, आप कहीं भी क्लास ज्वाइन कीजिए तो आपको कहीं से भी नोट्स मिलेंगे, उसमें समरी नोट्स रहेंगे, उसमें चार्ट्स रहेंगे, सब रहेगा। बट मेरा हमेशा एक पॉइंट, एक सजेशन रहता है कि आप खुद का नोट्स खुद बनाओ, राइट? इट हेल्प्स यू कि आप पढ़ोगे, खुद के नोट्स बनाओगे तो आप खुद पढ़ोगे, एंड दैट विल हेल्प यू, दैट विल रिमाइंड यू कि कहीं गलत जा रहे हो आप, तो आपको समझेगा अरे नहीं इस तरीके से नहीं। जब आप किसी ने दिए हुए नोट्स पढ़ोगे तो वो समझ में नहीं आता, नहीं जो हम खुद करते तो समझ में आता है। करेक्ट। तो आई थिंक यू वेरी वेल समराइज्ड इट। सो अगेन थैंक यू सो मच फॉर दैट।
मेरा एक लास्ट के दो सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा. एक अगेन वेरी कॉमन क्वेश्चन. अब एग्जामिनेशन जो है ACCA का, यू मस्ट बी नोइंग दैट, वो सेंटर बेस्ड भी रहता है, वो रिमोट भी रहता है. कई बार सेंटर्स मिलते नहीं है. उसका रीजन ये है, आप कितना भी जल्दी फाइल करो, इतने सारे स्टूडेंट्स होते हैं, कितने सेंटर्स, क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, पेन एंड पेपर बेस्ड है, तो खाली क्लासरूम्स लगाओ जितने चाहे उतने और बिठा लो बच्चों. राइट. तो वो दैट इज नॉट दैट डिफिकल्ट. बट जब से कंप्यूटराइज्ड एग्जामिनेशन है, तब तो हर एक स्टूडेंट के लिए कंप्यूटर चाहिए चाहिए. राइट. वो मैनेज करना बहुत मुश्किल है, और इसीलिए सेंटर पे कैपेसिटी लिमिटेड है. राइट. सो ACCA कहती है आप रिमोट बेस्ड एग्जामिनेशन ले लो. तो आपने कौन सा दिया था इसमें से? सो मैंने पहले बार भी रिमोट दिया था, सेकेंड टाइम भी रिमोट. अच्छा, दिया रिमोट ही दिया. लेकिन हुआ ऐसा था, पहले बार जैसे आपने बताया वैसे हुआ. आई ट्राइड लुकिंग फॉर सेंटर, मुझे मिले नहीं, मैंने रिमोट ले लिया. अच्छा. बट दैट टर्न्ड आउट टू बी ब्लेसिंग इन डिसगाइज. अच्छा. मुझे वही पसंद है. जून 2024 में तो मैंने रिमोट ही लिया बाय डिफॉल्ट. रिमोट और इसमें एक ही चेंज है, यू गेट ओनली अ पीस ऑफ पेपर टू राइट नोट्स आई सपोज. ओके. और जो रिमोट में आपको नहीं मिलता है. हाँ, वहाँ पे एक मिलता है स्क्रैच कार्ड जैसे कुछ मिलता है. स्क्रैच कार्ड ऑनलाइन मिलता है. हाँ. बट उसका जरूरत ही नहीं पड़ता है इफ यू प्रैक्टिस ऑन दैट यूटिलिटी. उसका जरूरत ही नहीं पड़ता है. एंड बिसाइड्स कटिंग द ट्रैफिक, गोइंग एवरीवेयर, गोइंग आउट ऑफ योर कम्फर्ट जोन, वो कम्फर्ट जोन वहाँ पे हेल्प कर जाता है ऐसे मुझे लगता है. कम्फर्ट जोन के घर का जो कम्फर्ट जोन है वो आपको हेल्प कर जाता है. यू कैन स्टे लिटिल काम एंड देन गिव यू, क्योंकि नहीं बोला तो भी थोड़ा एंग्जाइटी रहता है इन न्यू प्लेस टू गो, वो थोड़ा बिल्डअप हो जाता है. अदरवाइज रिमोट आई थिंक दैट इज वेरी सब्जेक्टिव पर्सन टू पर्सन. वो है करेक्ट. बट रिमोट इज वेरी वेरी कन्वीनियंट. द इनविजिलेटर्स, द सेटअप दैट ACCA हैज फॉर रिमोट इज वेरी गुड. एक बार भी सिस्टम लैग मुझे ऐसा आया नहीं. नहीं आया. ओके. शुरुआत में ऐसे हुआ था, वो पहले दिमाग में थे स्टूडेंट्स की चीजें, बट व्हेन इट केम फर्स्ट टाइम रिमोट एग्जामिनेशन के पहले 2-3 अटेम्प्ट वर लिटिल डिफिकल्ट. बट नाउ आई थिंक विथ योर एक्सपीरियंस एंड यू नो लॉट ऑफ अदर स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस, मुझे ऐसे लगता है कि रिमोट हैज गॉन वेरी स्मूथ नाउअडेज, प्रोवाइडेड यू हैव गुड इंटरनेट कनेक्शन. सो वन थिंग आई वॉन्ट टू हाईलाइट इज दैट ऑफिस के अगर लैपटॉप्स आप यूज करते हैं तो दैट डज नॉट वर्क, बिकॉज उनका सिक्योरिटी पॉलिसीज रहता है कुछ तो. उसके वजह से वो वेबकैम में इशू आता है. सो आई यूज माई पर्सनल लैपटॉप फॉर दैट. ओके. तो उसमें इट वर्क रियली वेरी वेल. तो जो लैपटॉप आप यूज करने वाले हो, इफ यू गोइंग टू बोरो लैपटॉप ऑन समवन, गेट इट 15 डेज बिफोर. अच्छा. इज वॉट माई एडवाइस टू देम. तो मतलब अगर लैपटॉप दूसरा लेना है, दोस्त का लेना है या खुद का भी लेना है, तो 15 दिन उसमें खुद की प्रैक्टिस चाहिए उस लैपटॉप पे. यू नीड टू बी वेल वर्स्ड. आई डोंट हैव दैट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस. मैंने जब दिया था वो पेन एंड पेपर बेस्ड एग्जामिनेशन था. तो ओके. सो एनी अदर सजेशन इन टर्म्स ऑफ यू नो रिमोट एग्जामिनेशन, क्योंकि वहां पे काफी कंडीशंस है कि ग्लास वॉल्स नहीं चाहिए. ऐसे कुछ आपका एक्सपीरियंस क्या बताया? और मेरा इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि इफ यू गेट, आपको फिजिकल या सेंटर बेस्ड एग्जामिनेशन के बारे में पूछ नहीं सकता मैं क्योंकि आपको एक्सपीरियंस नहीं है, तो कितनी देर पहले हमें यूटिलिटी पे लॉगिन करना चाहिए? नंबर वन, क्या क्या चीजें साथ में लेके बैठनी चाहिए जो एग्जामिनर पूछता है? तो ये हालांकि ACCA के वेबसाइट पे दी है, क्विकली ये हम एक डिस्कशन आपसे कर रहे हैं. और लैपटॉप ही यूज करना चाहिए? स्क्रीन, मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है कि बड़ा स्क्रीन रहेगा तो बेटर रहेगा, ये मेरा एक्सपीरियंस है. क्योंकि जब हम एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस अब सॉल्व करते हैं तो यूटिलिटी मुझे पता है कि किस तरीके से दिखती है, एंड देन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू नेविगेट व्हेन यू हैव अ लैपटॉप स्क्रीन 14 इंच या 15 इंच. राइट. तो आपका क्या एक्सपीरियंस है उसमें? दैट इज वेरी वेरी ट्रू. बड़ा स्क्रीन रहेगा तो आपने जैसे द वे वी डिवाइड दैट, एक आंसर का एक सेक्शन हम लोग डिवाइड करते हैं, क्वेश्चन का एक सेक्शन, वी स्प्लिट दैट स्क्रीन इनटू टू पोर्शन, वो इजी हो जाता है, वो रीडेबल हो जाता है. विज़ाविज़ इन लैपटॉप वो रीडेबल नहीं होता है, आपको थोड़ा एफर्ट डालना पड़ता है. कमिंग टू सेकेंड क्वेश्चन, ACCA में मेरे ख्याल से लिखा है कि 15 मिनट्स पहले आपका ये चालू हो जाता है, एडमिटिंग स्टूडेंट्स. ओके. सो एज वी गेट एडमिटेड इन द क्लास, वैसा ही उनका प्रोसीजर है. 15 मिनट्स पहले यू कैन स्टार्ट एग्जाम, दे कंप्लीट योर प्रोसीजर, यू हैव टू शो योर आइडेंटिटी प्रूफ ऑन स्क्रीन,
एंड ऑन स्क्रीन आइडेंटिफिकेशन दिखाने के बाद यू हैव टू वेट फॉर द इन्विजिलेटर, उनको पूरा कैमरा घुमा के दिखाना पड़ता है. अच्छा, हमको ओके के ड्रॉवर्स आर नॉट अलाउड नेक्स्ट टू द टेबल. अच्छा, यू शुड नॉट हैव एनी विंडो दैट इज जहाँ से कोई पीप इन कर सके. और अगर वो विंडो है तो इट नीड्स टू बी क्लोज. देर शुड नॉट बी एनी मिरर्स. ओके, इफ देर आर एनी मिरर्स दे शुड बी क्लोज. ये सब वो देखते हैं. ऐसा हुआ मेरा एग्जाम के वक्त, आई हैड अ ड्रॉवर नेक्स्ट टू माय टेबल, तो उन्होंने मुझे वो मूव करने के लिए कहा. रियली? या तो मुझे वो उनको मूव करके उनको फिर से आई हैड टू डू दैट प्रोसीजर एंड देन आई हैड टू स्टार्ट द एग्जामिनेशन. सो दीज आर फ्यू थिंग्स दैट वी हैव टू रिमेंबर. अगर आपका फर्नीचर में ही ड्रॉवर्स है तो मेक श्योर यू आर नॉट सिटिंग देयर. ओके, तो ऐसा कुछ चीजें हैं. उनका एक वीडियो है, हार्डली 1 मिनट का वीडियो है एसीसीए की वेबसाइट पे, जो विच इज वेरी विच टेल्स यू हाउ यू हैव टू. उन्होंने फोटोज भी दिए कि आप ऐसा रहेगा तो मत बैठिए करके. अच्छा, ओके. एंड देयर इज वन ट्रबल शूटिंग ईमेल आईडी एंड नंबर, कीप दैट रजिस्टर्ड बिफोर यू. मतलब फोन नंबर एंड ईमेल आईडी. फोन नंबर समझो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आता है तो यू रीच आउट टू दैट. इफ यू ड्रॉप अ मेल ड्यूरिंग एग्जाम यू स्टैंड अ चांस. वो जो उनका रीटेस्ट होता है तब उनको वो काम में आता है. तो वो जब टेक्निकल इश्यू आता है तो हम वी गेट पैनिक एंड वी आर नॉट एबल टू फाइंड दैट. करेक्ट. तो वो मेल आईडी इंस्टेंटली इफ इट इज देयर विद यू यू कैन ड्रॉप अ मेल एंड देन योर एप्लीकेशन इज सेफगार्डेड फॉर अ रीटेस्ट. ओके ओके, परफेक्ट. दैट्स अ वेरी गुड इन्फॉर्मेशन एक्चुअली. एंड एनी लास्ट रिमार्क्स ऑफ योर्स फॉर द स्टूडेंट्स के फ्रॉम अ स्टडी पर्सपेक्टिव अगर कुछ है तो. नहीं, प्लीज डोंट पोस्टपोन. From my experience, I am telling, please do not postpone. Make sure you give attempt wherever, however you have completed your studies. Attempting, you should attempt. Because 20 दिन का पढ़ाई नहीं हुआ इसके लिए 6 महीने का पढ़ाई वेस्ट करने में कोई मतलब नहीं है. तो I would recommend to give attempt. Even if you fail, that's okay. I failed once. Second time I attempted. I had a willingness to appear for third time also. But I cleared it in seconds. So that will help everyone. Thank you so much, Vipul, for you, joining us. Thank you. And giving your sharing your experiences. Because मुझे लगता है कि ये experiences share होना जरूरी है students के लिए. तो उनको ये समझ में आता है कि सिर्फ शायद मैं ही नहीं बोलता हूँ या उनके अपने अपने आपके professors नहीं बोलते, teachers नहीं बोलते उनके अपने अपने, तो ये हर कोई बोलेगा. तो हम उससे खुद गुजरे हैं बीइंग, तभी बाद में जाके टीचर बने हैं. तो मेरा एक वन मोर पॉइंट जनरली आई कीप टेलिंग एवरीवन इज वर्किंग प्रोफेशनल. तो आई कीप हैमरिंग द थिंग्स. तो कभी कभी वो बुरा भी लग सकता है कि यार मैं इतना क्यों कह रहा हूँ, सब वर्किंग प्रोफेशनल है. तो बिल्कुल नहीं सर, ऐसा नहीं होता है. बिकॉज ऑफ दैट योर इनफैक्ट कंफ्यूजन था इसलिए देन we came across your words and then we made that flashcards and notes. वो सब आप ही ने suggest किया और ही follow किया and then that turned out to be well. हाँ, नहीं कोई भी teacher है, so मैं सिर्फ मेरी बात नहीं है, तो वो करता ही रहेगा. teacher का काम ही है वो कि बस hammer करो, आप पढ़ाई करो. So yes. That is what the ultimate objective, that you should be successful, because yes. We then take pride in your success. Absolutely. Because we feel it good, nice. That you have achieved something, you have cleared that one examination, that knowledge might help you in your jobs and your professional career as well. Absolutely. So, thank you so much once again. Thank you so much for everything. Yes. All right, thank you. So, we will join with, next week with one more candidate, one more student who has successfully cleared this examination. Till then, goodbye. Thank you so much. Bye.